अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि पिक आर्ट में कि पिक किस तरीके से एडिट की जाती है। तो उसके लिए हमें पिक आर्ट को सबसे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको प्ले स्टोर से जाके पिक आर्ट डाउनलोड करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी पहले से पिक आर्ट्स जो है इंस्टॉल कर रखा है, बस आपने जो है वहाँ से जाके पिक आर्ट्स को डाउनलोड करना है और प्ले स्टोर से। तो आप देख लीजिए, पिक आर्ट्स का आइकन कुछ इस तरह का होगा और वहाँ से आपने उसको इंस्टॉल करना है। मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है इसलिए ये अपडेट का ऑप्शन दे रहा है मेरे पास। तो अभी हम इसको ऑन कर लेते हैं और ऑन करने के बाद हम इसका यहाँ से इंटरफेस देख लेते हैं। तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा। अभी ये कुछ टाइमिंग ले रहा है खुलने में। और ये अभी ओपन हो चुका है और हम यहाँ से ऐड को कट कर देंगे और उसके बाद जो है उसके बाद आपको यहाँ प्लस के निशान पर क्लिक करना है इस बीच वाले पे और अपनी गैलरी से कोई भी पिक उठा लीजिएगा। उससे पहले आपको पिक कैनवस में आना है। आपको पिक कैनवस में आना है, जैसे कि मैंने पिक कैनवस में क्लिक किया और उसके बाद आपको यहाँ से जो सही लगे साइज़ वो सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे साइज़ कस्टम का रख रखा है जो कि यूट्यूब का होता है 1280x720। और ये जैसे कि आप चेंज भी कर सकते हैं जिस उसमें आप रखना चाहें, साइज़ में रखना चाहें। तो मैं यहाँ से कोई बैकग्राउंड वॉलपेपर ले लेता हूँ। मैंने ये बैकग्राउंड वॉलपेपर ले लिया एक और उसके बाद ये राइट हैंड पे जो एरो है आपको इस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने दोबारा वाइट वाले पे क्लिक करना है एरो पे और उसके बाद एडिट इमेज पे क्लिक करना है आपने। एडिट इमेज पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से ऐड अ फोटोज़ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपकी गैलरी आ जाएगी, फिर गैलरी से आपने कोई भी पिक उठा लेनी है। जैसे कि मैं ये पिक उठा लेता हूँ और ये 5-6 दफ़ा क्लिक हो गई है, सॉरी मैं इसको कट कर देता हूँ। यहाँ से 5-6 दफ़ा सेलेक्ट हो चुकी है तो मैंने ये कट कर दिया और अभी मैं कोई सही सी अपने पिक उठा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको एडिट करके दिखाता हूँ। मैंने एक पिक ये सेलेक्ट कर लिया और मैंने एक पिक ये सेलेक्ट कर लिया। तो मैंने ये दो पिक सेलेक्ट कर लिए और मैंने इसे यहाँ ऐड कर दिया। तो अभी मैं इनको ऐड करने जा रहा हूँ। अभी हमें
क्रॉप करनी नहीं है। अब हमें इसमें थोड़ी शेडो देना है। ब्लर सही नहीं रहेगा। हमें पिक को एडजस्ट करना है थोड़ा सा, कंट्रास्ट देना है थोड़ा सा। शार्प करना चाहें आप शार्प कर सकते हैं, क्लियरिटी करना चाहें क्लियरिटी दिखा सकते हैं आप इसमें।